हे स्टूडेंट्स बच्चों कल हम बात कर रहे थे इकॉनमी की आज इसके बाद ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे बच्चों क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रीन लैंड का लैंड है वहाँ पे जो ज़मीन है वो पूरी स्नो से कवर्ड है इसलिए कोई भी व्हील्स वाली जो वाइकल्स होती हैं जिसमें पहिए लगे हों वो नहीं चलती हैं यहाँ पर स्लेजेस चलती हैं अगर आप देखो सेंडा क्लॉस अगर आपने देखा हो किसी भी पिक्चर वगैरह में तो आप देखोगे वो एक लकड़ी से व्हीकल पे चलता है जो स्नो पे स्लाइड करता है वही स्लेज होता है ये यहाँ पे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये एक जगह से दूसरे जगह लोग इसी पे जाते हैं इसको बच्चों कौन ड्रॉ करता है मतलब खींचता कौन है जैसे यहाँ पे बैल है, पर बैलगाड़ियाँ होती हैं पर उनमें बच्चों वही होते हैं इनमें सिंपल स्लेज होती हैं लकड़ी की उनको कोई एनिमल खींचता है कौन कौन से एनिमल्स या तो रेनडियर्स या फिर हस्कीज़ हस्कीज़ कौन होते हैं बच्चों वुल्फ की तरह लगने वाले डॉग्स होते हैं जो ग्रीन लैंड में पाए जाते हैं इनको स्लेच पुल करने के लिए और हंटिंग के लिए रखा जाता है मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बच्चों कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं कुछ पार्ट्स में रोड्स बनाई गई हैं और वहाँ पे मोटरसाइ मोटर, मोटर व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है और एक बच्चों और मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है इनका कायक बहुत इम्पोर्टेंट कायक क्या होता है एक नैरो बोट होती है पतली सी बोट जो वुड और सील की स्किन सील बच्चों एक समुद्री जीव होता है जो आपको कहाँ मिलेगा जो आपको आ, यहीं पे जो आपने पढ़ा है ग्रीन लैंड एक आइलैंड है उसके आसपास पानी है तो वहाँ पे आपको वो सील ईजिली मिल जाएगा एंड सील की स्किन से और वुड से बना हुआ एक बोट होता है कायक और इसी को बच्चों इसका एक बड़ा फॉर्म आप कर सक, कह सकते हो यूमियाक वो एक बड़ा बोट होता है कायक का यूज़ बच्चों क्यों किया जाता है यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ये देखो बच्चों ये कायक है कायक का यूज़ होता है फिशेस को कैच करने के लिए और यूमियाक क्या है ये एक बड़ा बोट है ठीक है ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया अब लाइफ पे बढ़ते हैं लाइफ की बात करें बच्चों तो यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मीन्स जो, जो बहुत टाइम पहले से यहाँ पे रहते थे जो किसी और प्लेस से चल के यहाँ पर नहीं आए यहीं पे रहते थे वो है इनविट्स, उनको इनविट्स कहते हैं वो इग्लूज में रहते हैं इग्लूज़ हम जानते हैं स्नो से बने घर कैसे होते हैं डोम शेप के होते हैं गुम्बद की शेप के होते हैं और उनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है ये लोग बच्चों इन्वेट्स क्या करते हैं जो जानवरों की स्किन होती है उनको ज़मीनों पे बिछा लेते हैं बच्चों यहाँ पे हमने देखा बहुत ठंड होती है तो ऐसी सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन से खुद को बचाने के लिए वो लोग जब जा, जानवरों की स्किन को फ्लोर पे बिछा लेते हैं समर में वो क्या करते हैं एनिमल स्किन से बने हुए टेंट्स बना देते हैं इन टेंट्स को कहा जाता है चाओ पिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आज आप असाइनमेंट में भी मैं आपको दूंगी व्हाट इज टाओ पिक्स तो आप लिखोगे इन समर इनवर्ट्स लिव इन टेंट मेड अप ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स दीज टेंट्स आर कॉल्ड टाओ पिक्स बच्चों ग्रीन लैंड का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट होता है ये यहाँ का सबसे वार्म पार्ट है मतलब यहाँ पे कंपैरेटिवली दूसरी जगहों से कम ठंड पड़ती है ठीक है इस वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस पार्ट है मतलब मैक्सिमम लोग यहीं पे रहना चाहते हैं ठीक है ठीके? इसके अलावा बच्चों जो यहाँ के लोग हैं वो हारपोन्स एंड ऑटोमेटिक रिफिल राइफल्स का यूज़ करते हैं सील्स वॉलरस और व्हील्स को हंट करने के लिए हमने देखा यहाँ पे मेन बच्चों मेन प्रोफेशन क्या था फ़िशिंग था तो ये और हमने देखा भी ये लोग बोट्स बनाते हैं सील की स्किन से बहुत उसकी चिकनी स्किन होती है बच्चों सील की एक एनिमल है आप सर्च करके देख सकते हो वॉलरस भी एक समुद्री जीव है बहुत क्यूट सा होता है आप देख सकते हो इसे भी तो हार्पोन्स हारपोन्स बच्चों आज हंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ऑटोमेटिक राइफल्स का यूज़ करते हैं ये लोग ये लोग फिशेस भी पकड़ते हैं इनके खाने की जो डाइट है उसमें भी फ़िश एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा खाना इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्ट करते हैं मतलब दूसरे देशों से मंगाते हैं यहाँ पे बच्चों ये लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते तो ये केवल फ़िश खाएंगे या फिर उसके अलावा जो कुछ भी खाएंगे वो बाहर से मंगाते हैं ये बहुत कोल्ड प्लेस है बच्चों लोग कपड़े क्या पहनते हैं फर से बने हुड्स पहनते हैं हुड्स आप समझते हो कैप अटैच्ड होती है जिस अटायर में और अपने हैंड्स को मिटन्स से कवर रखते हैं जो इनके हैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग मिटन्स यूज करते हैं और बहुत बड़े बड़े बूट्स पहनते हैं एंड ये बूट्स किससे बने होते हैं सील की स्किन से बने होते हैं तो आप समझ सकते हो कितनी हार्श वेदर कंडीशंस का ये लोग सामना करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का वट इज़ कायक वट इज़ कायक सेकेंड क्वेश्चन वट आर इनुइट्स थर्ड वट आर इग्लूज एंड फोर्थ वॉट आर टाउपिक्स तो फोर चीज़ें आपको लिखनी है कायक इनोइट्स इग्लूज एंड टाउपिक्स ओके चिल्ड्रन